हेलो मेरे भाई और प्यारे दोस्तों, तो आज आपको हम बताएंगे सऊदी अरब में हाई वोल्टेज का जो केबल होता है वो कैसे कैंसिल किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। तो सऊदी अरब में कैसे केबल कैंसिल किया जाता है, जो हाई वोल्टेज का केबल होता है जो 33,000 का होता है वर्ग का। तो देख सकते हैं ये हमारा बास्केट है और बास्केट की मदद से देखिए हम केबल कैसे कैंसिल किया जा रहा है। देखिए ये हमारा हाई वोल्टेज का केबल है, तो देख सकते हैं हमारा 33,000 का जो वोल्टेज होता है वो हमारा केबल कैसे कैंसिल किया जा रहा है। और पूरा केबल पे जो डिश पट्टी लगा हुआ रहता है, इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, सभी को अच्छी तरह से कैंसिल करता है। कैंसिल करने के बाद आपको हम बताएंगे केबल कैसे हमारा रोल हुआ जा रहा है। देखिए ये हमारा दो बास्केट है, इधर भी हमारा बास्केट लगा हुआ है और इधर हमारा जो ये हमारा फन्नी है जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसकी मदद से हम अच्छा से केबल को लूप कर लेंगे। तो देखिए हमारा इधर दूसरा बास्केट भी, देखिए हमारा केबल कैसे कैंसिल किया जा रहा है। देखिए हमारा बास्केट है और बास्केट की मदद से हम अच्छी तरह से कैंसिल कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपसे गुजारिश है जितना हो सके अपने नए दोस्तों के पास वीडियो को भेजें, शेयर करें। जो आपका जो नया लोग है जो सऊदी अरब में ओवरहेड का काम करना चाहते हैं उसको फुल जानकारी मिल सकती है। तो देख सकते हैं कैसे काम किया जाता है। तो आपको हम फुल जानकारी दे रहे हैं सऊदी अरब में जो 33,000 वोल्टेज का जो केबल होता है ओवरहेड का वो कैसे कैंसिल किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए हमारा केबल कैसे कैंसिल हो, उसके बाद हमारा डिश पट्टी कैंसिल होगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें, आपको हम दिखाते हैं ये जो केबल रोल कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारे दोस्त है इब्राहिम, सऊदी कंपनी में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो ये हमारे खास दोस्त हैं। तो आपको इसका इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, तो जाके इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख सकते हैं ये हमारा केबल है, अभी हमारा केबल नीचे आ चुका है। देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से हम रस्सी की मदद से निकालते हैं, इसके लिए है रस्सी की मदद से। देखिए कैसे ऊपर से नीचे एक आदमी रस्सी से छोड़ता रहता है धीरे धीरे, इसके लिए कि गाड़ी लगा होता है। देखिए गाड़ी पार्किंग में लगा रहता है तो गाड़ी पर गिर ना जाए इसकी वजह से। और देखिए उसके बाद हमारा एक आदमी जो है उसको केबल जो नीचे गिरने के बाद कटर की मदद से अच्छी तरह से काट रहे हैं और दूसरा आदमी जो है उसको लूप कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक बंदा हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है उसको केबल को कटर की मदद से काट रहा है और हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रीशियन है वो कैसे दूसरे केबल को जो है रोल कर रहा है। तो ये हमारा केबल रोल करने के बाद जो है स्क्रैप में जाता है। देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रीशियन है, अच्छी तरह से केबल को रोल कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देख सकते हैं उसके बाद आपको हम बताते हैं कैसे हमारा केबल और इंसुलेटर कैंसिल किया जाता है। देखिए ये हमारा दूसरा बास्केट है, दूसरे बास्केट की मदद से भी हम अच्छी तरह से केबल कैंसिल कर रहे हैं। देखिए ये हमारा दूसरा बास्केट है और दूसरा बास्केट है और ये दूसरे बास्केट की मदद से भी देखिए कितना अच्छी तरह से हम अभी इंसुलेटर निकाल रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा इंसुलेटर निकाला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं दूसरे बास्केट की मदद से ये जो हमारा अभी फिलहाल खोल रहा है ये हमारा इंसुलेटर है। तो देख सकते हैं सऊदी अरब में जो हमारा 33,000 के भी वोल्टेज का जो केबल कैंसिल कैसे किया जाता है और उसके बाद कैंसिल करने के बाद जो उस पर इंसुलेटर होता है, डिश पट्टी होता है, उसके बाद एडजस्टर होता है। ये जो हमारा वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये देखिए हम आपको जूम करके बताते हैं, ये जो हमारा वाइट कलर का है, वाइट कलर का जो है वो हमारा एडजस्टर है और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का तीन दिख रहा है आपको ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर बोलते हैं इसको सऊदी अरब में, ये ओवरहेड का है तो इसको कैंसिल किया जा रहा है। तो अभी हम केबल कैंसिल का आपको वीडियो बता रहे हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है और एडजस्टर होता है वो कैसे कैंसिल करते। देखिए हमारा एक इलेक्ट्रीशियन जो है ऊपर में
बहुत ही अच्छी तरह से पाना की मदद से इंसुलेटर का जो नीचे नट लगा होता है जिसके हदीद पे कसा होता है, जो लोहा पे जो है कसा होता है, देखिए उसके नीचे नट होता है कितनी अच्छी तरह से। देखिए आपको हम जूम करके बताते हैं कैसे उसको खोला जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से खोला जाता है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से खोला जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आपसे गुजारिश है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका भाई आगे बढ़ सकता है। तो देख सकते हैं कैसे हमारा अच्छी तरह से, चलिए अभी आपको हम बताते हैं आगे का इंसुलेटर खोल के कैसे इंसुलेटर खोला जाता है। देखिए इंसुलेटर को आपको जूम करके अभी हम बता रहे हैं, देखिए कैसे हमारा इंसुलेटर खोला जाता है और उसके बाद जो है हमारा रजिस्टर खोला जाएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो हमारा केबल लटक रहा है अभी उसको हम काट के बढ़िया से नीचे गिरा लेंगे कटर की मदद से। तो ये हमारा अभी कटर निकाल चुके हैं, देखिए कटर की मदद से अच्छी तरह से अभी हम केबल काट देंगे। देखिए देखिए हमारा कितनी अच्छी तरह से केबल काटा जा रहा है। आप वीडियो में बने रहें, आपको आगे हम बताते हैं कैसे इंसुलेटर निकाला जाता है और अरजेस्टर जो होता है ना, अरेस्टर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। जो सऊदी अरब में ओवरहेड का जो 33,000 का जो वोल्ट का जो केबल होता है वो कैसे कैंसिल किया जाता है और इंसुलेटर रजिस्टर डिस पट्टी कैसे कैंसिल किया जाता है आपको वो हम बता रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, जो नए लोग हैं सऊदी अरब में अगर इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं तो आके सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें, कल हो के अगर आपको सऊदी अरब में आना हो तो कैसे काम कैसे किया जाता है ये काम आपको नॉलेज हो सके। तो चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो में आपको हम बताते हैं कैसे कैंसिल किया जाता है। हमारा कटर की मदद से अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से जो है हमारा केबल को काट के नीचे गिराया जा रहा है। देखें केबल काटने के बाद उसके बाद चलिए आपको मैं इंसुलेटर खोल के भी बताते हैं कैसे खोला जाता है। तो वीडियो में आप बने रहें। देखिए हमारा बास्केट है, बास्केट की मदद से हम अच्छी तरह से खोल लेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो है चैनल जो लगा होता है, जो चैनल लगा के हम जिस पे ट्रांसफार्मर डालते हैं वो देखिए हमारा चैनल कितना बास्केट की मदद से ऊपर से खोल के पूरा नीचे लाया जा रहा है। तो देख सकते हैं, तो इसी तरह अभी हम एक चैनल को अभी देखिए नीचे कर रहे हैं, उसके बाद आपको आगे हम बताते हैं दूसरा चैनल कैसे निकाला। देखिए ये हमारा एक चैनल है जो ऊपर से खोल के लाया गया है, उसके बाद नीचे उतारा जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को में बने रहे। देखिए हमारा चैनल दो बंदे की मदद से, देखिए दो बंदे की मदद से कितनी अच्छी तरह से निकाला जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें। देखिए ये हमारा चैनल है और उसको अच्छी तरह से नीचे इसी तरह से करके अभी हम सब चैनल को खोल लेंगे, जो हमारा ओवरहेड का जो काम होता है जो सऊदी अरब में कैंसिल किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको हम ये फुल जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद इसके आगे वीडियो में इंशाल्लाह हो सके तो आपको हम जानकारी देंगे जो ओवरहेड का 33,000 से 36,000 का जो पूरा लाइन कैसे खींचा जाता है ओवरहेड का, आपको वो जानकारी देंगे। अभी फ़िलहाल आपको हम दे रहे हैं 33,000 वोल्ट का जो केबल होता है हमारा हाई वोल्टेज का, वो अभी हम फिलहाल बाहर कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारा उस पर जो जो लगा रहता है इंसुलेटर हो या हमारा चैनल हो या हमारा डिश पट्टी हो या हमारा फिश कटआउट हो या रजिस्टर हो, जो भी चीज़ हो सब आपको हम निकाल के बता रहे हैं फिलहाल। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए हमारा फिलहाल अभी हमारा बास्केट दूसरी तरफ जो है चैनल, देखिए हमारा बास्केट नीचे का जो चैनल है वो अभी फिलहाल खोल रहा है। देखिए हमारा बास्केट नीचे का जो है अच्छी तरह से खोल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। तो देख सकते हैं ये हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी हम पाने की मदद से खोलने के बाद उसके बाद हम बास्केट की मदद से अच्छी तरह से हम निकाल ले रहे हैं। देखिए बास्केट की मदद से अच्छी तरह से हम खोलने के बाद उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कैसे नीचे, देखिए हमारा बास्केट है, आराम आराम से हम मुंह के अंदर से निकाल लेंगे। देखिए इतना आराम आराम से निकाल देंगे, हमारा मुंह में जो चैनल टच ना हो इसके लिए बास्केट को एडजस्ट करना है
देखना है आपको कि हमारा बास्केट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। सीधा देखिए हम बास्केट को आराम से नीचे ले आएंगे, नीचे लाने के बाद चैनल को दो आदमी की मदद से उठा लेंगे। देखिए बास्केट को नीचे लाने के बाद, देखिए बास्केट हमारा नीचे आने के बाद, देखिए हमारा बास्केट नीचे आने के बाद कितनी अच्छी तरह से दो आदमी की मदद से हम उसको निकाल रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दो आदमी की मदद से हम चैनल को उठा लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हम चैनल को, देखिए एक आदमी से पकड़ा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड से उठा लेंगे। देखिए उसके बाद हम दूसरी तरफ, देखिए दो आदमी के बंदे की मदद से चैनल उठा के हम ले जाएंगे। और फिर हम बास्केट ऊपर करके जो उसका आगे का जो सामान है जो उसमें वेस्टेड है जो हमारा आगे काम आ जाए उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए अभी आपको ऊपर का चैनल निकाल के हम बताते हैं, ऊपर में जो सामान लगा हुआ है उसको भी निकाल के आपको हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो शायद आपको वीडियो दूर से दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए आपको हम थोड़ा जूम करके बताते हैं कैसे किया जाता है। देखिए जूम करने के बाद आपको हम बता दें, ये हमारा जूम हो चुका है वीडियो अभी, देखिए उसके बाद आपको हम बताते हैं। अभी हमारा देखिए लाइन बाय लाइन आपको अरेस्टर खोल के बता रहे हैं, हमारा ये अरेस्टर है जो इसको अरेस्टर बोलते हैं। तो अभी हम उसको ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो अभी हम खोल के बताएंगे। उसके बाद खोलने के बाद उसके बाद ऊपर जो तीन ब्लैक कलर का जो इंसुलेटर लगा हुआ है आपको वो भी खोल कर हम बताएंगे। तो चलिए पहले अरेस्टर को खोल लेते हैं, उसके आगे हम बताएंगे आपको इंसुलेटर कैसे खोला जाता है। तो वीडियो में आप बने रहें। देखें ये हमारा माहौल जो होता है पूरा ट्रांसफार्मर का जो रखा होता है वो हमारा एच बना के इसके नीचे जो एच दो बना हुआ था और ट्रांसफार्मर उस पर रखा जाता है, और केबल लूपिंग की मदद से जो हमारा कनेक्ट हुआ रहता है फिर इसको डर से एडजस्टर से एडजस्टर से जो इंसुलेटर पे होते हुए जो हमारा लाइनिंग में जंपर मारा हुआ रहता है। तो देखिए हमारा कैसे खोला जा रहा है, एक हम खोल चुके हैं अरेस्टर जो है, एक खोल चुके हैं और हमारा दूसरा है उसको खोल रहा है। तो चलिए पाना की मदद से देखिए हमारा कैसे इलेक्ट्रीशियन खोल रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन हमारा पाना की मदद से उसको भी खोल लेगा। देखिए कैसे खोला जा रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से उसको भी खोल लेंगे। ये हमारा खुल चुका है, चलिए बास्केट के अंदर में हम डाल लेते हैं। ये देखिए हमारा खुलने के बाद ऊपर जो है उसका नट होता है उसको हम लगा लेंगे, जो अगर कभी ज़रूरी हो तो ये लगा सकें। फिलहाल अभी ये लगता नहीं है क्योंकि अभी जो है ये पुराना हो चुका है, अब नया जो है कंपनी कुछ नया सामान लॉन्च किया तो नया आता रहता है, तो अभी वो नया, ये जो हमारा ओल्ड है जो पुराना है वो हमारा निकाला जा रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, इसी तरह से हम दूसरा भी अरेस्टर को खोल लेते हैं। देखिए पाना की मदद से हमारा इलेक्ट्रीशियन देखिए कैसे पाना लगा के आराम से नट लूज करके उसके बाद खोल लेंगे हम। देखिए कैसे खोला जा रहा है पूरा अच्छी तरह से खोल ले लेंगे, उसके बाद आपको हम बताएं। देखिए नट को घुमा घुमा के अच्छी तरह से खोल लेंगे। देखिए हमारा तीसरा भी खुल चुका है, बाकी उसके बाद ये खुलने के बाद हमारा बच चुका है इंसुलेटर, तीन इंसुलेटर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको ये बच चुका है, ये भी हम आराम से खोल लेंगे। तो चलिए पहले इसको हम खोलने के बाद आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें। सऊदी अरब में जो ओवरहेड का काम होता है वो कैसे किया जाता है, तो देखिए खोलने के बाद बास्केट को नीचे ला के उसके बाद उसको भी हम नीचे उतार लेंगे। देखिए उसको भी हम नीचे अच्छी तरह से निकालेंगे। देखिए ये हमारा खुल चुका है, उसके बाद एक बंदे की वजह से उसको भी हम उतार लेंगे नीचे। देखिए अच्छी तरह से हम नीचे उतार लेंगे, अच्छी तरह से नीचे उतारने के बाद दूसरे बंदे को हाथ में दे देंगे, वो बंदा ले जाके जो गाड़ी स्क्रैप वाली होती है वो पीछे हमारा बिंच लगा हुआ है, तो पीछे बिंच जो लगा हुआ है उसको भी हम उतार लेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए ऊपर बास्केट ले जाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं क्या निकाला जाता है। बास्केट निकालने के बाद जो इसमें हमारा इंसुलेटर फिश कटर एडजस्टर जो लगा होता है जो चैनल होता है उसको भी हम निकाल लेंगे। चलिए आप वीडियो में बने रहें, उसको भी आपको हम निकाल के बताते हैं। देखिए इसमें हमारा नट बल्ट वगैरह जो होता है, स्टील क्लैंप वगैरह जो लगा रहता है, ये हमारा फिलहाल अभी स्टील क्लैंप लगा हुआ है जो उसको खोल रहे हैं, तो देख सकते हैं।
कितनी अच्छी तरह से हमारा स्टील क्लैंप खुल के नीचे आ चुका। उसके बाद जो स्टील क्लैंप खुलने के बाद जो हमारा चैनल है, जो हमारा चैनल है वो बना हुआ है दोनों तरफ, एक लेफ्ट में एक राइट में, जो चैनल दो चैनल आपको दिख रहा है ये भी खोल लेंगे हम बहुत अच्छी तरह से पाना की मदद से। उसके बाद ऊपर का जो है इंसुलेटर वगैरह है उसके ऊपर जो एक चैनल और लगा हुआ है उसको भी खोल लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप लोग नए फ्रेंड के पास वीडियो भेजें और उससे कहें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपका भाई आगे नहीं बढ़ सकता। आपको सऊदी से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज है, जानकारी है, अंडरग्राउंड से लेके ओवरहेड का फुल नॉलेज आपको हम दे रहे हैं। तो इसी गुजारिश है आपसे, पूरा लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका भाई आगे बढ़ सकता है। तो चलिए आगे आपको हम चैनल खोल के बताते हैं कैसे खोला जाए। हमारा इलेक्ट्रीशियन है, अच्छी तरह से चैनल खोल रहा है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहें, देखिए हमारा चैनल बास्केट की मैं और देख सकते हैं हमारा जो बास्केट होता है, देखिए हमारा कितना बड़ा बास्केट है। ये हमारा बास्केट बहुत बड़ा है, देखिए पूरा बास्केट आपको अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा बास्केट है, तो देख सकते हैं ये हमारा बास्केट है। ये बास्केट उसका जो बास्केट का जो बूम होता है, बास्केट का बूम कितना बड़ा है। यह हमारा मुस्तौदे में जो कंपनी होता है उसमें सबसे बड़ा बास्केट यही है हमारा। तो चलिए आपको आगे हम बता रहे हैं कैसे खोला जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रीशियन के पास ले चलते हैं आपको। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रीशियन है, कितनी अच्छी तरह से उसको खोल रहा है। इसी तरह से हम दोनों चैनल खोल लेंगे, उसके बाद आपको चैनल खोलने के बाद इंसुलेटर भी खोल के आगे आपको हम बताएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से खोल लेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। वीडियो देखिएगा तभी आपको नॉलेज मिल सकता है जो सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन का काम ओवरहेड का जो होता है कैसे काम होता है। और ये जो हमारा दो दिख रहा है दो साइड में, ये अमूत है जिसको हम हिंदी में पोल भी बोलते हैं इसको। तो जितना हो सके आपसे गुजारिश है लाइक करें चैनल को। चलिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको हम पहले चैनल खोल के बताते हैं। चैनल खोलने के बाद आपको इंसुलेटर खोलना बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें, देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल भी जो है खुल चुका है। देखिए खोलने के बाद उसके बाद अच्छी तरह से निकाल लेंगे, उसके बाद बास्केट की मदद से नीचे ले आएंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए खोलने के बाद हमारा बास्केट कितने अच्छी तरह से नीचे लेके आ रहा है। देखिए बास्केट की मदद से आराम से नीचे ले आएंगे, उसके बाद फिर से दो बंदे की मदद से चैनल को उतार लेंगे। तो इसी तरह से ओवरहेड का काम सऊदी अरब में किया जाता है। तो देखिए चैनल को कैसे निकाला जा रहा है। देखिए निकालने के बाद आराम से बास्केट की मदद से हम चैनल को नीचे कर लेंगे। देखिए एक बंदा हमारा इधर से पकड़ लेगा, दूसरा बंदा हमारा उधर से पकड़ लेगा। देखिए एक बंदा हमारा इधर से उठा लिया है, उसके बाद दूसरा बंदा हमारा इधर से उठा लिया है। उसके बाद आराम से उठाने के बाद हम बिंच जो आपको दिख रहा है और उसको लोड कर देंगे। तो चलिए आगे आपको हम बताते हैं दूसरा चैनल कैसे निकाला जाता है। देखिए फिर बास्केट को हम अच्छी तरह से ऊपर ले जाएंगे। देखिए बास्केट को अच्छी तरह से ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद फिर से हम दूसरा चैनल को भी अच्छी तरह से खोल लेंगे। तो इसी तरह से सभी को निकाल लेंगे। जो हमारा माहौल का जो ट्रांसफार्मर जहाँ पर रखा जाता है एच बना के पूरा तरतीब किया जाता है, वो हमारा निकाला जा रहा है। देखिए उसके बाद दूसरा भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए दूसरा चैनल को भी हम बढ़िया से, देखिए दूसरा चैनल को भी बढ़िया से हम खींच के निकाल लेंगे। देखिए देखिए अच्छी तरह से दूसरा चैनल को भी हम बढ़िया से निकाल लेंगे। ये हमारा नट निकल चुका है, जो हमारा नट होता है बोल्ट होता है, बोल्ट निकल चुका है। उसके बाद नट लगा के हम अच्छी तरह से नीचे डाल लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड का भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए
बास्केट की मदद से आराम से ऊपर ले जाने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको निकालेंगे। देखिए हमारा बास्केट, और आपको वीडियो में जो आवाज़ आएगा, वीडियो में आवाज़ आएगा जो ये देख सकते हैं, हमारा बिंच का आवाज़ आ रहा है, बिंच का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा चैनल भी, दूसरा चैनल भी हमारा अच्छी तरह से, देखिए हमारा बोल्ट जो है निकल चुका है। देखिए पहले बोल्ट को आराम से बास्केट की मदद से सीधा करके बोल्ट को खींच लेंगे, उसके बाद हमारा चैनल इजी से बाहर हो जाएगा। देखिए हमारा बोल्ट कितने आराम से निकल रहा है, देखिए देख रहे हैं कितने आराम से बोल्ट निकल जाएगा। देखिए जो हमारा हदीद टाइप का आपको दिखता होगा, ये हमारा बोल्ट है, उसी नट की मदद से हमारा जो चैनल है कसा हुआ रहता है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद ऊपर जो हमारा इंसुलेटर लगा हुआ उसको भी बाहर करके आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में आप बने, देखिए हमारा ये हम उसको गेप से अच्छी तरह से निकालेंगे, उसके बाद बास्केट को देखते हुए अच्छी तरह से हमूद से बाहर कर लेंगे पहले, उसके बाद आराम से नीचे ले आएंगे। पहले अभी हम हमूद से बाहर कर लेते, देखिए हमूद से बाहर करने के बाद आराम से हम बास्केट की मदद से नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद आपको हम बताते हैं, जो हमारा दो आदमी होता है ये देख सकते हैं, हमारा दो इलेक्ट्रीशियन है, उसकी मदद से हम अच्छी तरह से फिर चैनल नीचे उतार लेंगे। तो देखिए हमारा चैनल, देखिए दो जो बंदा है, एक ये इलेक्ट्रीशियन और दूसरा इलेक्ट्रीशियन, आराम से दोनों पकड़ के उठा के स्क्रैप वाली गाड़ी पे डाल देंगे। चलिए फिर बास्केट को ऊपर ले जाते हैं और आपको हम बताते हैं जो हमारा ऊपर का जो इंसुलेटर बचा हुआ है उसको निकालना। तो वीडियो में बने रहे आप, देखिए ये हमारा वीडियो में अभी फ़िलहाल आपको हम इंसुलेटर निकालना बता रहे हैं। तो इंसुलेटर के पीछे हमारा जो है चैनल के पीछे नट कसा होता है, तो देख सकते हैं हमारा नट कसा होता है, उसको पाना की मदद से हम नट को खोल लेंगे। ये देखिए हमारा नट जो है पाना की मदद से खोल लिया गया, और उसके बाद बढ़िया से बास्केट को एडजस्ट करके उसके बाद हम नट को खोलने के बाद आराम से इंसुलेटर को उठा लेंगे। ये हमारा खुल चुका है, उसके बाद नट खोलने के बाद आपको इंसुलेटर बाहर करके दिखाते हैं। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, सभी फैमिली मेंबर के पास शेयर कर सकते हैं आप। सऊदी अरब में जो इलेक्ट्रीशियन का ओवरहेड का काम कैसे किया जाता है और अंडरग्राउंड का भी फुल इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो आपसे गुजारिश है आके हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और वीडियो फुल जानकारी आप ले सकते हैं सऊदी अरब में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए अभी हम इंसुलेटर आपको अच्छी तरह से हिला हिला के उसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें जो है हमारा धूल मिट्टी की वजह से जो है थोड़ा नट बल्टों को कुछ ज़्यादा नट पकड़ लेता, तो उसको नचा नचा करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हमारा इंसुलेटर निकालने में थोड़ा मुश्किल कर रहा है, उसको कोई चीज़ से ठोक के आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत पुराना काम किया हुआ रहता है, तो 100 साल 50 साल पुराना काम किया रहता है, तो उसमें थोड़ा क्या है कि धूल मिट्टी जंग वगैरह पकड़ने के बावजूद वो थोड़ा देर से खुलता भी है, और कभी कभी ऐसा होता है जो पकड़ लेता है तो निकालने में थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो चलिए हमारा इलेक्ट्रीशियन अभी कोशिश बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है और इंसुलेटर को निकाल रहा है। तो जब तक आप वो निकाल रहा है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबा के जाइएगा तभी आपको हमारा जो न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन। देखिए हमारे प्यार से एक इंसुलेटर हमारा निकल चुका है। देखिए थोड़ा तकलीफ़ होता है, पुराना काम है थोड़ा तकलीफ़ होता है, कोई भी चीज़ आप जानते हैं पुराना काम किया हुआ थोड़ा तकलीफ़ तो ज़रूर देता है, तकलीफ़ में थोड़ा वो ज़िंदगी क्या जो हम हार जल्दी से मान लें, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। धोखा आ गया वही हमारा सऊदी अरब में जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है ना, ना तो करना ही नहीं है कोई भी हाल में, आपको ज़रूरी है कि खोलना है और आपको खोल के निकालना है। नहीं निकले प्यार से, ना निकले तो हथौड़ी मारना, हथौड़ी ना मारे तो उसके बाद आप गैस की मदद से काट के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रैप चीज़ है। हाँ उसको निकालना हमारा बड़ा ज़रूरी है, और उसको देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रीशियन जो कितना कोशिश कर रहा है। देखिए जूम करके दिखाते हैं आपको, देखिए निकला, हिला के अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है। दो इंसुलेटर हमारा बाहर हो चुका है, उसके बाद फिर से थोड़ा केबल लगा हुआ है जो डिस्टर्ब ना करे, उसको काट के नीचे हम गिरा लेंगे। देखिए आराम से
नीचे गिरा लिए हैं, उसके बाद दूसरा भी काट के गिरा लिए हैं, उसके बाद इंसुलेटर अच्छी तरह से, तीसरा भी खोल के निकाल लेंगे। तो खोलने के बाद आपको हम बताते हैं आगे। दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए आपसे यही गुजारिश है, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी है जो हमारा नए लोगों के पास है वीडियो हमारा वाचिंग जाएगा तो देख सकता है। और आपसे गुजारिश है कि अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके बाद आप जाके वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके। देखिए हमारा इसलिए का हिला हिला के अच्छी तरह से बाहर किया जा रहा, तो हमारा देखिए पूरा फाइनल अमूद का जो है पूरा, देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है आपको हम फोटो डाल देंगे ऊपर में, जो आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर जो नया होता है कैसे रहता है और उसको निकाला कैसे जाता है, तो देख सकते हैं। उसको निकालने के बाद चैनल को हम अच्छी तरह से खोल लेंगे, चैनल को भी निकाल देंगे, तो उसके बाद हमारा निकलने के बाद अमूत आपको कुछ नहीं रह जाएगा, बस अमूत पोल जो है हमारा खाली रह जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो देख सकते हैं ये हमारा स्क्रैप वाला गाड़ी है, जिसमें जितना भी हमारा स्क्रैप निकलता है वो स्क्रैप इसमें डाला जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा पूरा चैनल है, चैनल खोल के डाला गया, उसके बाद जो केबल है केबल डाला गया है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखें ये हमारा अच्छी तरह से पूरा जो है खोला गया है, पूरा ये केबल है, उसके ऊपर आपको हम बताते हैं जो बॉक्स होता है उसमें कैसे इंसुलेटर वगैरह रखा जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो केबल है जो 13,000 का 120 का केबल है, कैसे हमारा 33,000 का सो निकला है स्क्रैप। तो देख सकते हैं हमारा केबल है, उसके बाद ये जो हमारा चैनल निकाला गया है चैनल, उसके बाद आपको आगे हम बताते हैं इंसुलेटर, एडजस्टर, डिश पट्टी। देखिए हमारा कितना स्क्रैप में निकल के पूरा ये सब हमारा स्क्रैप में सऊदी गवर्नमेंट जो होता है उसमें जाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, देख निकालने के बाद उसके बाद हमारा पूरा फाइनल ये केबल हमारा आ चुका है। देखिए उसके बाद ये हमारा बड़ा बड़ा जो है चैनल निकला हुआ है, और देख सकते हैं निकलने के बाद जो हमारा अमूत है जो पूरा खाली कैसे रहता है। देखिए पूरा निकल जाने के बाद अमूत हमारा खाली, तो ये हमारा गाड़ी है जो हमारा बिंच है, ये स्क्रैप उठाने के लिए हमारा बिंच। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जो नए लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब में वो देख सके सऊदी अरब में ओवरहेड से लेकर अंडरग्राउंड का काम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जो है दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।